इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फॉर्मेट। फ्रेंड्स, अब तक हमने ICMP द्वारा सेंड किए जाने वाले दो तरह के मैसेजेस के बारे में जाना है। इस वीडियो में मैं आपको ICMP मैसेजेस के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये एक ICMP मैसेजेस का डायग्राम है। इस डायग्राम के माध्यम से ही मैं आपको ICMP मैसेजेस के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, हर मैसेज टाइप के लिए ICMP हेडर अलग अलग होती है, लेकिन शुरू की तीन फील्ड सभी मैसेजेस में समान होती हैं। इन तीन फील्ड्स की टोटल साइज 4 बाइट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन फील्ड्स के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप, ये फील्ड मैसेज का टाइप डिफाइन करता है। उदाहरण के लिए, किसी प्रकार की एरर रिपोर्ट करते समय उस एरर से संबंधित कोड इस फील्ड में डिफाइन किया जाता है। उसी प्रकार यदि क्यूरी मैसेज है तो इस फील्ड में उस क्यूरी का कोड आएगा। नेक्स्ट कोड, क्यूरी मैसेज के लिए इस फील्ड की वैल्यू 0 होती है। एरर मैसेजेस के लिए ये फील्ड एरर के सब टाइप को डिफाइन करता है। उदाहरण के लिए, यदि डेस्टिनेशन अनरीचेबल एरर आई है तो कोड फील्ड ये बताएगा कि किस तरह की डेस्टिनेशन अनरीचेबल एरर आई है, जैसे कि नेटवर्क अनरीचेबल, होस्ट अनरीचेबल या फिर प्रोटोकॉल अनरीचेबल एरर आदि। एरर्स के इन सब टाइप्स को भी कोड्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट चेकसम, हेडर और डाटा के द्वारा चेकसम कैलकुलेट किया जाता है, जिससे एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द हेडर, जैसा कि हमको पता है कि ICMP मैसेज को IP डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट किया जाता है। ICMP मैसेज में रेस्ट ऑफ द हेडर सेक्शन रिमेनिंग IP एड्रेस को दर्शाता है। नेक्स्ट डाटा, फ्रेंड्स एरर मैसेजेज के संदर्भ में इस सेक्शन में जिस पैकेट के द्वारा एरर आई है उस पैकेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये था ICMP मैसेज फॉर्मेट के बारे में। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।